जय श्री कृष्णा दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि ये हमारा एक फैमिली ब्लॉग है, तो इसमें डांस भी हो गया, थोड़ी बहुत पढ़ाई भी हो गई, आपने हमारा बगीचा भी देखा। तो अब हम देखेंगे कि हम लोग किस टाइप का खाना बनाते हैं। ठीक है, तो बहुत छोटी सी कोशिश करी है हमने बनाना कढ़ी का। कढ़ी तो आप सभी ने बनाई होगी, लेकिन हम जो बना रहे हैं वो एक अलग तरीका है। शायद आपको पसंद आए या ना आए, वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कढ़ी के लिए सबसे पहले जैसे चीज़ की हमें ज़रूरत होती है वो है बेसन। ठीक है, बेसन और पानी और मसाले, दही। तो हम शुरुआत करते हैं, सबसे पहले हमने लिया है बेसन। सबसे पहले हम बेसन में थोड़ा सा पानी मिला के इसको अच्छे से एकदम स्मूथ पेस्ट बनाएंगे। ना ज़्यादा पानी अधिक होना चाहिए और ना ही बेसन काफ़ी सूखा होना चाहिए। बैटर आपका लगभग इस तरीके का तैयार होगा। बैटर आपका इस तरीके से होना चाहिए, इतना स्मूथ चाहिए। इसको टेस्ट करने के लिए कि बैटर अभी आपका पूरी तरीके से तैयार हुआ है या नहीं, हम एक कटोरी में, ये खाली टेस्ट करने के लिए है कि आपकी कढ़ी का बैटर अभी पूरा तैयार है कि नहीं, थोड़ी सी बेसन की मात्रा लेंगे और इस पानी में डाल के देखेंगे। ये देखिए, अगर हमारा बेसन कि ये पकौड़ी पूरी तरीके से अपने आप ऊपर आती है, इसका मतलब है हमारा बेसन अब पूरी तरीके से तैयार है। अभी ये सादा बेसन है, बेसन और पानी ही है खाली इसमें, और हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है। जैसे हमने बताया कि ये बेसन अभी एकदम सादा है, यानी बेसन और पानी का ही पेस्ट है ये। इसमें अभी नमक मिर्चा कुछ भी हमने ऐड नहीं किया है। अब हम इसमें हल्दी ऐड करेंगे। हम हल्दी बहुत थोड़ी सी डालते हैं क्योंकि हमें बहुत गाढ़े रंग का नहीं चाहिए, वो हल्का ही चाहिए। मिर्चा टेस्ट के अनुसार, मेरे घर में बच्चा है तो हम बहुत ज़्यादा मिर्चा नहीं यूज़ करते हैं। नमक वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है कि आप ज़्यादा नमक खाते हैं कम नमक खाते हैं। नमक डालते समय एक चीज़ का ध्यान रखना है, ये खाली पकौड़ी का बैटर है, अभी हम इसमें जो रसा लगाएंगे उसमें भी नमक पड़ेगा। तो यानी इसमें हम नमक उतना ही डालेंगे जितना सिर्फ पकौड़ी में यूज़ होता है, इसमें रसा वाले नमक को अभी ऐड नहीं करेंगे। अगेन इसको फिर से हम फेंटेंगे जिससे हल्दी नमक मिर्चा सब अच्छे से मिल जाए। ध्यान रखिएगा कि इसको अच्छे से फेंटना है, वरना कहीं कहीं पे नमक ज़्यादा और कहीं कहीं पे नमक बिल्कुल नहीं होगा। करीब एक मिनट तक हम इसको फिर से फेंटते हैं। आपने देखा ये बेसन अब हमारा एकदम तैयार है पकौड़ी बनने के लिए। तो नेक्स्ट स्टेज के लिए हम अब इसको गैस पे मलते हैं। सबसे पहले कढ़ाई लेंगे, उसमें एक कड़वा तेल डाला है। कड़वा तेल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे। बहुत तेज आंच नहीं रखनी है, आग को हम मीडियम फ्लेम पे रखेंगे। और पकौड़ी छोटी छोटी इसलिए करते हैं क्योंकि जब बाद में ये पानी में रसे में डूबती है तो ये फूल जाती है, इसलिए पकौड़ी का साइज लगभग छोटा छोटा, पानी में जाने में अपने आप फूलेगा। वही तेल यूज़ कर रहे हैं जिससे हमने पकौड़ियों को निकाला था। तो थोड़ा सा सबसे पहले हम प्याज लेंगे। प्याज को सावधानी से करिएगा, थोड़ा सा प्याज, ये राई है, मिर्चा है और ये मीठी नीम। दही लिया है, दही में थोड़ी सी हल्दी, मिर्चा, नमक। नमक का ध्यान रखिएगा, पकौड़ी में नमक पहले से पड़ चुका है। दही काफी गाढ़ा है, इसको पतला करने के लिए हमने इसमें छाछ मिलाया है। आप पानी भी मिला सकते हैं,
छाछ मिलाएंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। ये देखिए इसको भी हम अच्छे से फेंट लेंगे। थोड़े बहुत से लम्स हैं, उससे कुछ नहीं होगा। जब आप आग में पकाएंगे तो ये अपने आप मेल्ट हो जाएंगे। जो हमने पकौड़ियाँ बनाई थी उसमें हम थोड़ा सा बेसन बचा लेते हैं, वो इसके रसे को गाढ़े करने के लिए यूज होगा। प्याज को हल्का पिंक होने तक, बहुत ज़्यादा नहीं करना है। सबसे पहले हम ये पकौड़ी डालते हैं। ये जो बेसन का घोल है इसको हम इसी दही में मिला लेंगे। और धीरे धीरे करके अब क्योंकि पकौड़ियाँ ज़्यादा हैं इसलिए हम पानी डालेंगे, क्योंकि कढ़ी में रसा तो हमें चाहिए ही। पानी थोड़ा ज़्यादा इसलिए और रहेगा क्योंकि ये पकौड़ियाँ जो हैं वो इसी रसे को इस पानी में ही फूलेंगी। अब इसको 5 मिनट के लिए हम ढक के पकाते हैं, बीच बीच में चलाते रहना है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए अब ये कढ़ी लगभग 90% तक तैयार है। ठीक, अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। देखिए अब हमारी कढ़ी एकदम तैयार है, गाढ़ी भी हो गई है और पकौड़ियाँ जैसे मैंने कहा था एकदम फूल गई हैं। अब सबसे लास्ट स्टेप, जिसे आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, इसमें तड़का लगाना। तो राई और मिर्चे का अब इसमें तड़का लगेगा। थोड़ा सा देसी घी लेंगे, ये अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा राई और एक मिर्चा। सबसे पहले हम राई को डालते हैं और मिर्चा डाल के इसमें तड़का। देखिए कढ़ी बनके तैयार है। हमारे यहाँ तो इसको कढ़ी बोलते हैं, आप हमें ये कमेंट में बताइएगा कि आपके यहाँ इसको क्या बोला जाता है। ठीक है, तो चलिए अब हम मिलते हैं इसको खाने के टेबल पर। Action!